दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आम खाकर अपना वजन बहुत ही जल्दी बढ़ा लेंगे। दोस्तों एक तो आम का सीजन चल रहा है और दूसरी बात ये इस टाइम पर सस्ता भी बहुत है, तो अगर आप 10 रुपये भी खर्चा कर लेंगे डेली तब भी आपका वजन बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। दोस्तों आम एक ऐसा फ्रूट्स है जो कि वेट गेन करता है, तो दोस्तों कुछ ही ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि वेट गेन करते हैं, तो दोस्तों आम भी उन फ्रूट्स में से आता है जो वेट गेन करता है। बाकी ज़्यादातर फ्रूट्स से वेट गेन नहीं होता है, वो फिट रहने में आपको मदद करते हैं, पर आम और केला इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको काफ़ी जल्दी वेट गेन करा देते हैं दोस्तों। पर ज़्यादातर होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें किस कौन सी चीज़ किस तरीके से खानी है या कितनी खानी है और किस टाइम खाने पर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आम आपको कितने खाने हैं, किस तरीके से खाने हैं, जिससे कि आपका वजन भी बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, उसे भी नहीं करते हो तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस। अब एक आम में अगर मैं कैलोरी की बात करूं तो लगभग आपको 100 ग्राम में 60 कैलोरी मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप 500 ग्राम आपको आम लेने हैं तो उनसे आपको 300 कैलोरी मिल जाएगी। अब दोस्तों 20 रुपये किलो ज़्यादातर आम बिक रहा है इस टाइम पर, तो आपको कुल 10 रुपये का आधा किलो आम मिलेगा, तो आप डेली 10 रुपये ही खर्च कीजिए आम के ऊपर। बाकी अपनी डाइट पूरे दिन की सही रखें, डाइट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो हैं और वेट गेन की प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देखें, क्योंकि अगर डाइट सही होगी तो आपका वेट गेन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ एक चीज़ खाकर ही वेट गेन हो जाएगा, आपको पूरे दिन की डाइट भी सही रखनी है और ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा कैलोरी देती हैं। मतलब अगर आप सिर्फ अपने खाने से मेंटेनेंस कैलोरी कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद आपने कुछ ऐसा फूड्स एक्स्ट्रा अपनी डाइट में ऐड कर लिया जिससे कि और कैलोरी मिल गई है, तो आप मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर पहुंच गए, उसका फ़ायदा यही होगा कि आपका वजन बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही करना है आपको, आपको अपनी डाइट पूरे दिन की सही रखनी है और ये जो आप आम खाओगे तो ये आपको एक्स्ट्रा कैलोरी देगा जिससे कि आपका वजन भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात दोस्तों, इसमें फाइबर भी होता है तो ये आपके डाइजेशन को भी सही रखेगा, तो दोस्तों भूख भी आपको लगेगी और ये डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा आपके। वैसे तो आम को आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर अगर आप इससे और ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो आप आम का शेक बनाएं। तो आप मैंने बता दिया, आपको 500 ग्राम आम लेने हैं और लगभग 250 ml मिल्क लेना है। उसमें आप अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, अगर आप शहद डालना चाहते हैं तो आप शहद भी डालना चाहते हैं, या मिश्री भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा कैलोरी देंगी, मतलब 250 ml मिल्क में आपको 300 कैलोरी लगभग मिल जाएगी और 300 ही कैलोरी आपकी आम की, तो ये 600 कैलोरी आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आपने मेंटेनेंस कैलोरी तक सिर्फ आपने खाने से ही पहुंच गए, आपने जो खाना खाया पूरे दिन में सिर्फ आप उससे मेंटेनेंस कैलोरी तक पहुंच गए, उसके बाद अगर आप 600 कैलोरी सिर्फ इस डाइट से ले रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए 1 मंथ में ही आपका बहुत ही जल्दी वेट गेन, काफ़ी केजी वेट गेन हो जाएगा आपका, बहुत ही जल्दी आपको फायदा। अब दोस्तों इसे लेना किस टाइम है, क्योंकि लेने की टाइमिंग आपको अगर पता होगी तो बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा भी होगा, वेट गेन भी बहुत ही जल्दी होगा। अब दोस्तों अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट में आप इसका शेक अगर बनाकर पीते हैं, तो जो मैंने शेक आपको बताया आप उसे चाहे तो हाफ हाफ करके बना लें, मतलब एक साथ ना बनाएं, आधा आप बना लें और आधा आप रात में बना लें। तो सुबह में आप जो भी खाते हैं दोस्तों, सुबह में आपका पेट पूरी रात से खाली रहता है, तो इस टाइम पर आप जो भी खाते हैं वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट रहता है, आप चाहे कितना भी खा लें। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह का खाना जितना हैवी हो सके तो उतना हैवी करना चाहिए, तो आप ये शेक के साथ साथ अगर आप कुछ और ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। दोस्तों जो इसका दूसरा टाइम रहेगा वो आप इसे सोने से पहले लें, आप सोने से कम आप 30 मिनट पहले तो लें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसे लेने के बाद ही अगर सो जाएंगे तो ऐसे में थोड़ा सा डाइजेशन खराब हो जाता है, और अगर डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो आप खाओगे भी नहीं, तो इस तरीके से वेट गेन नहीं होता। तो आपको डाइजेशन सही रखना है, मेन फंडा डाइजेशन के होता है, भूख अगर लगती है तो खाया भी बहुत ही जल्दी जाता है और वेट भी बहुत जल्दी गेन हो जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सोने से लगभग 30 मिनट पहले लेना है। अब इस टाइम अगर आप लोगे तो दोस्तों एक तो रात में जितनी भी कैलोरी हमारे शरीर में जाती है, जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरी जाती है वो सिर्फ स्टोर हो जाती है, मतलब रात में कुछ काम तो करते नहीं है जिसकी वजह से कहीं पर भी कैलोरी खर्च नहीं होती, जितनी भी हम एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं वो सिर्फ वेट गेन कराती है, तो आपका वेट गेन ही होगा जितनी भी आप एक्स्ट्रा कैलोरी लोगे। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग मैंने आपको बताया आप इस तरीके से इसे यूज कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, फिर भी कुछ अगर रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम।